तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं भारत पाकिस्तान का बॉर्डर देखने। वो जीरो लाइन है okay. उसके पार पाकिस्तान वालों की है, इसे इधर वाली अपने। ये है जी भारत पाकिस्तान बॉर्डर। डिस्टेंस अभी सिर्फ 20 मीटर का रह गया। हाई वोल्टेज करंट इसके अंदर रहता है रात को। अभी सरप्राइज। Hey my YouTube family, welcome back to my channel. तो कैसे हो आप लोग? जी हाँ, तो अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप इज कंप्लीट राइट नाउ। तो दोस्तों बताओ, क्वालिटी एंड मेनली वीडियो क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी दोनों कैसी आ रही है? आई थिंक इट्स ग्रेट। तो अब हम करेंगे मोटो व्लॉग्स आने वाली वीडियोस में भी। और आज भी हम जा रहे हैं कोई ऐसी जगह जिसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं भारत पाकिस्तान का बॉर्डर देखने। दिस इज आई एम नॉट जोकिंग, सच कह रहा हूँ दोस्तों। ऐसा है कि मेरा एक दोस्त है जिसके मतलब कि जो यहाँ पे हिंदू मलकोट है हमारे गंगानगर के पास, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर है, एंड तो वहाँ से भारत पाकिस्तान का बॉर्डर सारा पास आउट होता है। तो मेरे दोस्त का खेत बॉर्डर के पास ही है। तो आज आपको इतने क्लोज से बॉर्डर दिखाऊंगा, मतलब शायद आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। ठीक है, तो वही आज जाने का प्रोग्राम है। और सुबह के बजे हैं 11, मतलब कि अच्छा धूप खिली हुई है, तो सोचा कि इतनी ठंड भी नहीं है तो चलते हैं। मेरे साथ ज्वाइन करेंगे मेरे एक दोस्त तिलक भाई, जिससे आप लास्ट वीडियो में देख ही चुके हो। तो अभी मैं उनके घर जा रहा हूँ और देखते हैं वो रेडी है या नहीं है। तो लेट्स गो। तो तिलक भाई ज्वाइन कर लिए हैं, साथ में हमारे वॉइस शेयर भी। तो हम चलते हैं हिंदू मलकोट की तरफ, और सबसे पहले हमें फ्यूल डलाना है। चलो फ्यूल डलाते हैं। तो हाफ डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है, एंड इतना कोर हमें जाना है। हवा बहुत तेज़ है आज, और मौसम भी जो साफ था सुबह वो बिल्कुल क्लाउडी हो गया है। बट कोई दिक्कत नहीं है, राइड तो हम करेंगे ही। अगर सोच के घर से निकले हैं तो वो तो पूरा होगा ही।
मतलब अब मुझे कमी महसूस हो रही है। एक्चुअली हेलमेट का क्या है कि हम हमारा जो विज़न रहता है हेलमेट के अंदर वो सिर्फ क्योंकि हेलमेट का वेट होता है आपको पता है, तो सिर्फ विज़न सामने का ही रहता है। हम जैसे पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तो इतना हम मूव नहीं कर सकते जितना बिना हेलमेट के हम अपने मतलब कि मूव कर सकते हैं गर्दन को। तो आज मुझे रियर व्यू मिरर की कमी खल रही है क्योंकि अभी भी पीछे से एक जीप आ रही थी एंड बिल्कुल मेरे पास से निकली वो, तो उसका तो हम करेंगे फिर जब हम निकलेंगे ट्रैवल के ऊपर, देन वी यूज रियर व्यू मिरर्स। बाकी आप बताइए दोस्तों कि कैसी लग रही है आपको वीडियोस, और मोटो व्लॉग की भी आदत डाल लो क्योंकि इसे भी हम पार्ट बनाएंगे हमारी वीडियोस का। मेरे दोस्त को मैंने फ़ोन कर दिया, वो वेट कर रहा है हमारा वहाँ पे। एंड आज आप वो चीज़ देखोगे जो इसे देखने के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं, लाइक अमृतसर बाघा बॉर्डर आपने नाम सुना होगा सब लोगों ने, वहाँ पे आते हैं। तो आज हम आपको बहुत क्लोज से बहुत ही पास से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाएंगे। कैमरे की बैटरी है दैट इज़ 25% राइट नाउ, बट हमारे पास एक स्पेयर बैटरी है तो मैं दो बैटरी लेके चला था GoPro की। बाकी सब तो ठीक है, ठंड बढ़ती जा रही है और हवा भी बहुत तेज है। सुबह तो ये सोच के निकले थे कि आज सनी डे है काफ़ी, तो इजीली बढ़िया धूप धूप में इंजॉय कराएंगे, पर निकलते निकलते देखो मौसम कैसा हो गया, फुल क्लाउड्स, मतलब ऐसा मौसम हो रहा है कि अभी बारिश हो जाए, बस बारिश ना हो भगवान करे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं शरण लेनी पड़ेगी। हाँ भाई मोहित भैया कैसा एनवायरनमेंट है? बहुत शानदार है, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। और आप देख रहे हो यहाँ पे सरसों वगैरह खूब मतलब खिली हुई है, मौसम भी आज ठीक है, क्लाउडी है। क्यों तिलक भैया? बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और हम ऑन द वे बॉर्डर की ओर, अगर आप हमें तो दिखाई दे रहा है बॉर्डर यहाँ से, अब आप देख लो अगर कैमरा में दिख रहे नहीं तो हम क्लोज जा ही रहे हैं आपको दिखाने के लिए। और ये हमारे साथ आगे आगे गैरी पाजी जिनके ये खेत हैं, आपको इनसे मिलवाता हूँ मैं एक मिनट, साथ में उनके बड़े ब्रदर हैं। हाँ जी गैरी भैया, ठीक है ठीक है। तो बताओ फिर मतलब कैसे रहता है बॉर्डर के ऊपर आपके खेत है, मतलब क्या सिस्टम है? मतलब जो यहाँ के जो सैनिक वगैरह राउंड अप करते होंगे तो कोई मतलब पाबंदी कोई खास तरह की? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब आपने बताया कि उस तरफ भी अपने थोड़े से मतलब जगह भी अपने खेत है, जगह भी अपने खेत है। ठीक है, जीरो लाइन के पार अपने खेत। ओके, उसी साइड में उनके खेत। ठीक है ठीक है, जितने क्लोज तक जाएंगे वहाँ तक दिखा के लाएंगे आपको। अब थोड़ा व्यू और क्लियर हो गया होगा, कुछ मौसम भी थोड़ा क्लाउडी है, नहीं तो अगर सनी डे होता तो बिल्कुल विजुअलिटी थोड़ी अच्छी होती, बट इसमें भी फुटेज काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो हम अब इतना क्लोज आ गए हैं बॉर्डर के, हवा बहुत तेज है ना गरीब भाई। ये दोनों पक्षी अपन ये वाली ये वाली, ठीक है ये अपने 11 भी गया जो अपने इधर भी गया। ठीक है ठीक है, ये केंद्र भी गया अपने पास। तो ये जमीन सारी इनकी है, गरीब पाजी की है, और इधर भी अपनी पाकिस्तान में भी थोड़ी सी 2 बीघे पड़ते हैं, तो ये वहाँ पे भी बोले जाते हैं, लेकिन तब BSF के 2 मतलब बंदे साथ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम दास ना हिंदी में, हिंदी में जो बेड़ी खड़ी है ना उसके पास वो वाइट थम्मा दिख रहा है अपने को। ठीक है, वो जीरो लाइन है। ओके, उसके पार पाकिस्तान वालों की है। ठीक है, इसे इधर वाली अपने को जो वाइट दिख रहा है ना। हाँ जी हाँ जी, वो वाइट से उस पार पाकिस्तान, इस पार अपना। ठीक है, लवली पाजी अब हमारे साथ है, ये मेरे को थोड़ा और क्लोज लेके जा रहे हैं बॉर्डर के, और जो मेरे दोस्त हैं वो अभी पीछे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा लोग एक साथ देखेंगे तो कोई आर्मी वाला आके फिर हमें कह सकते हैं। हालांकि इनके पास परमिशन होती है बट ज़्यादा जने अलाव नहीं रहते। तो अब हम थोड़ा और क्लोज बॉर्डर के आपके सामने हैं,
अब देखिए कितना डिस्टेंस है, सिर्फ 50 मीटर का डिस्टेंस होगा, 50 मीटर से भी कम डिस्टेंस है। सो ये है जी भारत पाकिस्तान बॉर्डर, इतना क्लोज से देख लीजिए आप पूरी रेंज। थोड़ा और आगे चलते हैं, जैसे कि हमें लवली पाजी ने कहा है कि थोड़ा और आगे जा सकते हैं हम। डिस्टेंस अभी सिर्फ 20 मीटर का रह गया। ओनली 20 मीटर्स का डिफरेंस। रात को यहाँ पे फुल करंट, अभी भी करंट है क्या इसमें? रात को इसमें करंट छोड़ दिया जाता है। कितने वोल्ट का रहता है सर? हाई वोल्टेज करंट इसके अंदर रहता है। अब रात को अभी नहीं छोड़ा हुआ। अब देख लीजिए कितना क्लोज है हम। इतने क्लोज से आपने कभी बॉर्डर शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, अब आपने देख लिया। अब मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ कि कोई समस्या ना हो। ठीक है, एक बार तसल्ली कर लीजिए। चलो मिलते हैं अब आपको आगे। आई एम बैक। तो कैसा लगा दोस्तों आपको बॉर्डर को इतना पास हमने महसूस किया, उन तारों को जिनसे दो देशों का बंटवारा होता है, इस तरफ हमारा इंडिया तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। एंड मैंने इस वीडियो में मोटो व्लॉगिंग के साथ बॉर्डर दिखाने का कंटेंट ऐड किया था, तो दोनों चीज़ें इससे पूरी हो गई। अब हम वापस घर की ओर जा रहे हैं। ठंड बहुत हो गई है, हाथ बिल्कुल, मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही है कि बिल्कुल जाम हो रखे हैं, सुन पड़ रहे हैं। एंड सनसेट भी होने को आ गया है। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करना कि आगे भी आप और किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करोगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल। ध्यान रहिए, रखिए अपना, कीप सेफ। ओके फिर, बाय बाय दोस्तों।